Hey guys, welcome to our channel. My name is Afsar and you watching Technical Afsar YouTube channel. तो guys, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि Instagram Reel Remix को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप उसको इनेबल कर सकते हैं. So guys, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखना. एंड यहाँ पर जिन लोगों को अभी तक Instagram के ऊपर Reels Remix वाला ऑप्शन नहीं मिला है, वो अपने Instagram को प्ले स्टोर से अपडेट कर लो, उसके बाद आपके पास Instagram का रील्स रिमिक्स ऑप्शन आ जाएगा. अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो रील्स रिमिक्स है वो किस लिए यूज होता है एंड उसका एक्चुअल में यूज क्या है. तो गाइस, जिस तरीके से आपने इसे पहले देखा होगा टिकटॉक के ऊपर आप यहाँ पर ड्यूट वीडियो बनाते थे, उसी तरीके से अब आपको Instagram के ऊपर ड्यूट वीडियो बनाने का ऑप्शन देखने को मिल चुका है, जो कि Instagram रील रिमिक्स ऑप्शन के नाम से है. उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी ड्यूट वीडियो ना बनाए तो आप अपनी तरफ से Instagram के रील्स रिमिक्स वाले ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं. वो किस तरीके से करेंगे वो भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने Instagram को अपडेट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर अपने Instagram को ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं अपने इसके वॉल्यूम को कम कर देता हूँ. एंड गाइस, यहाँ पर आप जाएंगे किसी भी रील्स वाले ऑप्शन के अंदर. तो यहाँ पर जाने के बाद आपको इसके थ्री डॉट के जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है. चलो पहले मैं वीडियो चेंज कर लेता हूँ. हाँ, ये बच्चे ठीक है. तो गाइस, यहाँ पर आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है. एंड यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रील्स रिमिक्स वाला ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि ये अभी टेस्टिंग के अंदर है, सभी को नहीं मिला है, सभी वीडियो के अंदर अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है. तो यहाँ पर अभी हम वीडियो चेंज करते हैं. एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ड्यूट वीडियो चल रहा है. तो अब हम किस तरीके से ड्यूट वीडियो बनाएंगे, तो अब इसका ये वीडियो हम लेकर देखते हैं. तो यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं मिला. अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं मिला. अब यहाँ पर हाँ, तो गाइस यहाँ पर हमें ऑप्शन मिला है यार, बट चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं. हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिमिक्स जिस रील का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, आप थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको रिमिक्स रील का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये प्रोसेसिंग करेगा, उसका वीडियो पूरी तरीके से यहाँ पर वन साइड में हो जाएगा एंड यहाँ पर आपकी जो वीडियो है इसके साइड में हो जाएगी. अब अगर आप यहाँ पर रील खुद अगर बनाना चाहते हैं डायरेक्ट फेस लगाकर, तो यहाँ पर आप इस तरीके से बना सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपके गैलरी के अंदर अगर कोई वीडियो ऑलरेडी है तो आप यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपने गैलरी से कोई एक वीडियो को निकाल कर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर आप इस तरीके से इसको दबा कर रखेंगे तो उसकी वीडियो चलेंगी एंड साथ में आप यहाँ पर इस तरीके से इस वीडियो के साथ ड्यूट वीडियो बना सकते हैं. आपकी वीडियो इस तरीके से कम्प्लीट हो जाएंगी. आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी वीडियो चलेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो गाइस, इस तरीके से आप Instagram के रील्स रिमिक्स वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं. अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर तो मैं इसको भी डिस्कार्ड कर देता हूँ. बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रील्स वाला जो आपका ऑप्शन है उसको कोई भी यूज ना कर सके, तो उसके लिए आप यहाँ पर Instagram के ऊपर आएंगे, अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऊपर आएंगे. सेटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन के ऊपर आना है, रील्स वाले ऑप्शन के ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रील्स कंट्रोल्स एंड यहाँ पर आपको रिमिक्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है. अब आप यहाँ पर इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं. अगर यहाँ पर मैं इसको डिसेबल अगर कर दूंगा तो मेरे वीडियो के साथ कोई भी रील्स का रिमिक्स नहीं बना सकता है एंड ये आप अपने पास से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन आपके साथ साइड बाय साइड वीडियो बनाए या फिर कौन ना बनाए. तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है एंड इसी तरीके से आपको अपने Instagram के अंदर रील वाला आपको ऑप्शन मिला, रील्स रिमिक्स वाला आपको ऑप्शन मिला या नहीं, तो आप इसी तरीके से उसको चेक कर सकते हैं. आपको यहाँ पर रील्स वाले ऑप्शन के अंदर आकर, यहाँ पर रील्स कंट्रोल के अंदर आकर चेक करना है क्या आपको रील्स रिमिक्स का ऑप्शन मिला है या नहीं एंड किस तरीके से यूज करना हो मैंने आपको बता दिया. बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है. होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ चुकी होंगी एंड सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी. अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है तो आप जरूर से मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं अगर आ रही है तो आप मुझे Instagram के ऊपर DM भी कर सकते हैं. सो गाइस, होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोज मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.